भोपाल में महिला सशक्तिकरण को लेकर वॉक ए कॉज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम में आईजी जयदीप प्रसाद, एडीजे पवन जैन और महिला सेल के एडीजे अरुणा मोहन राव शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में अपराध को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वॉक ए कॉज जिसमें हम लोग वॉकिंग कंपटीशन में हम भाग ले रहे हैं, इसमें हम प्राइजेज भी रखे हैं। तीन कैटेगरी है, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, उसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग सभी में। तो कुल 6 कैटेगरी में हम बहुत सारे इनाम भी देंगे। इनाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें पार्टिसिपेट करना। आप लोग सब यहाँ पे हजारों की संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहें और पुलिस के साथ सहयोग करें, महिला अपराध के प्रति ना करें। भोपाल पुलिस ने एक अनुकरणीय पहल की है और मैं मानता हूं एक अद्भुत आयोजन हुआ है। 20,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की है और जो मानते हैं कि किसी शहर की सभ्यता का परिचय दो बात ही हो सकती है, वहां की यातायात और वहां की नारी की सुरक्षा। आज पूरे भोपाल ने यह संदेश दिया है कि नारी की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो अपराधी है वो भी समाज से ही आता है, जो विक्टिम है वो भी समाज से ही जुड़ी हुई है, तो हमको समाज से जोड़ के आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। पुलिस अकेला इसमें काम कर तो रही है, लेकिन समाज को जब तक हम लोग नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका जो है सार्थक परिणाम हमारे सामने नहीं आएगा।